हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका चाइल्ड एक्सप्लोर में। और आज के क्यू एन ए में मैंने उठाए हैं 5 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं मॉडल कौन सा है, तो मॉडल है स्कॉर्पियो S9। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले सवाल है ब्रिजेश जी का, जिन्होंने स्कॉर्पियो के इंजन की आवाज़ सुनने की इच्छा जाहिर की थी। तो चलिए आपको स्टार्ट करके सुनवाता हूँ कि आवाज़ कितनी करती है BS6 स्कॉर्पियो। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। बताओ गाड़ी होगी स्टार्ट। अभी इंजन की साउंड सुन लीजिए, मैं बड़ी साइलेंट जगह पे खड़ा हूँ फिलहाल, बिल्कुल पास में ही खड़ा हूँ। यहाँ से आवाज़ सुन लीजिए आप, गाड़ी थोड़ी गंदी हो गई है दोस्तों, क्योंकि बारिश का मौसम है। देखिए अभी भी बारिश हुई है चंडीगढ़ में, तो इतना ही साउंड है। उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आया होगा। और अंदर बैठ कर दिखा देता हूँ आपको, सुना देता हूँ एक बार कि अंदर बैठने के बाद साउंड कितना आता है। अंदर बैठने के बाद NVH लेवल काफ़ी कंट्रोल्ड हैं BS6 में। देखिए आपको आवाज़ सुनाई भी नहीं दे रही होगी, अबकि बल्कि AC वेसी सब कुछ बंद है, और अगर म्यूजिक चल जाए तो पता ही नहीं लगेगा गाड़ी स्टार्ट है क्या। बहुत मिनिमल साउंड आ रहा है, शायद आप लोगों को नहीं सुन पा रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कपिल रेजादा जी का है, जिनको प्रॉब्लम आ रही थी अपने USB ऑडियो फाइल्स में, सफल मोड नहीं आ रहा था, उनका सॉन्ग बार बार रिपीट हो रहा था। तो इसका मैं बता देता हूँ, जैसे आप मैंने ये देखिए पेन ड्राइव लगा ली है, पेन ड्राइव लगाने के बाद आप जैसे स्क्रीन पे जाते हैं तो USB ऑडियो ऑलरेडी सिलेक्टेड है अपना। इसमें बोल रहे थे कि सफल मोड नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये देखिए सफल मोड सिलेक्ट कीजिए, ये सफल मोड ऑन हो गया, इसको कीजिए ऑफ हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से होता है। ऑन करेंगे तो हर एक सॉन्ग, मतलब कोई भी सॉन्ग कहीं से भी प्ले हो सकता है, और अगर इसको कट कर देंगे तो सीरियली सॉन्ग चलेंगे एक के बाद एक। ठीक है, और ये जो है रेजादा जी को बोलना चाहूँगा, ये देख लेना आप, अगर कहीं ये रिपीट में ये जैसे रिपीट कर देंगे तो ये जैसे फोल्डर आ गया तो फोल्डर रिपीट होगा, इसको एक सॉन्ग होगा तो एक बार बार सॉन्ग रिपीट होता रहेगा। तो हो सकता है उनकी ये सेटिंग ऑन हो जिससे एक सॉन्ग रिपीट होता रहे, तो इसलिए इसको ऑफ कर दें रिपीट को, और ये सफल मोड यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा उनको भी अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। दूसरा सवाल था टेक्निकल साहिल जी का, जिन्होंने पूछा था एंड्रॉयड ऑटो कैसे कनेक्ट करना है। तो उसके लिए दो चीज़ें सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले तो आपके मोबाइल की ओरिजिनल डाटा केबल चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये ओरिजिनल डाटा केबल है मेरे फ़ोन की, और ये मेरा मोबाइल है। ठीक है, तो मैं इसमें जैसे ही कनेक्ट करता हूँ ऑटोमेटिक ही, अगर आपके मोबाइल में ऐप है तब भी ऑटोमेटिक उठाएगा, और नहीं है तब भी उठाएगा और आपको बोलेगा इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं दिखाई देता हूँ आपको। तो जैसे आपने मोबाइल कनेक्ट किया तो इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए, और यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, टू लॉन्च एंड्रॉयड ऑटो प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन योर मोबाइल। तो सबसे पहले अनलॉक कर लेते हैं, और जो भी ऑप्शन आते हैं यहाँ पर आप उनको अलाउ कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आएगा, और यहाँ पर ओके आ रहा है। पार्क करना ज़रूरी है ये बता दूँ आपको। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है, और यहाँ पर आप एप्लीकेशन जैसे डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। ये सारी एप्लीकेशंस एंड्रॉयड ऑटो में चलती हैं। ठीक है, देखिए अपने आप इंस्टॉल हो रही है, गूगल मैप्स इंस्टॉल हो रहा है, ये दो इंस्टॉल्ड हैं, ये इंस्टॉल हो रहा है अभी, और ये नीचे वाली भी इंस्टॉल है। तो ये इंस्टॉल होते ही मतलब ये सारी एप्लीकेशन चलने लग जाएंगी। तो अभी इसको हम एग्जिट कर सकते हैं। ओके, कंपलसरी है ये डाउनलोड करनी। दोबारा से कनेक्ट करते हैं इसको, देखिए जब तक वो पूरा फंक्शन कंप्लीट नहीं होते हैं। तो ये दोबारा से आ गया है, इसको दोबारा कर लीजिए आप। ओके, लोकेशन आपको ऑन करने के लिए बोल रहा है, टू कंटिन्यू सेलेक्ट एंड्रॉयड ऑटो ऑन योर कार स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पर अभी आप जैसे होम बटन दबाते हैं एंड्रॉयड ऑटो आ जाएगा, और इस तरह से आएगा, इसको ओके कर दीजिए आप, और आपका एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो गया है।
ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो ऐप्स हैं आपकी, ये ऐप्स आ गई आपकी। उम्मीद करूँगा टेक्निकल साहिल जी को अपना सवाल का आंसर मिल गया होगा। इस तरह से एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करते हैं, एक बार कनेक्ट होने के बाद फिर बहुत इजी हो जाता है। ये शुरू से मैंने आपको करके दिखाया है क्योंकि मेरा मोबाइल नया था और उसमें डाउनलोड नहीं था एंड्रॉयड ऑटो। एक बार दोबारा से दिखाता हूँ आपको। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो अगर एंड्रॉयड ऑटो आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है तो जैसे ही आप डाटा केबल लगाएंगे, डाटा केबल लगाते ही यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन आ जाएगा। देखो एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड, और आपको क्या करना है, अपने गाड़ी की स्क्रीन पे जाके एंड्रॉयड ऑटो सिलेक्ट कर देना है और ये आपका कनेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कनेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला वेलकम मैसेज स्कॉर्पियो का, अभी लेटेस्ट AK आहूजा जी का है ये, तो वैसे बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चन पूछा है। तो मैं बता दूं, अभी फिलहाल स्कॉर्पियो में ये ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए स्टार्टअप ऑडियो है जिससे कि आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो मैंने फंक्शन ऑफ किया हुआ है क्योंकि बहुत ज़ोर से बोलता है, साउंड आता है, वॉइस नहीं आती आजकल, साउंड आता है सिर्फ। ठीक है, तो अगर इसको ऑन कर देंगे आप तो जब फर्स्ट टाइम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे सुबह, तब आपके गाड़ी में ये वॉइस वॉइस मैसेज नहीं साउंड आएगा, वेलकम साउंड आएगा। ठीक, अभी वो साउंड नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि गाड़ी में ऑलरेडी फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर चुका हूँ, यहाँ तक गाड़ी लेके आया हूँ, तो वो साउंड नहीं आएगा। और मैं नेक्स्ट एक शॉर्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि जो वेलकम साउंड है वो कैसा आता है। इस तरह से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये बताओ, क्योंकि काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में हैं कि बोलते हैं कि हर बार ही ऑन करते हैं तब ये साउंड आता ही आता है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, अगर ऑफ कर देंगे तो नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों काफ़ी दोस्तों का सवाल था कि न्यू वाली स्कॉर्पियो S11 में नेविगेशन आता है कि नहीं, तो ये देखिए बिल्कुल डिलीवरी के लिए तैयार खड़ी है गाड़ी, और दीप भाई अपने चेक करवा रहे हैं कि न्यू गाड़ी में नेविगेशन मिलेगा कि नहीं, तो ऑन करके भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए साउंड भी आता है, अभी आवाज़ नहीं आती, सिर्फ साउंड आता है दोस्तों। दोस्तों देखो ये है न्यू स्कॉर्पियो S11 और ये है नेविगेशन बटन, जैसे ही दबाएंगे इसको तो ये देखिए नेविगेशन नॉट अवेलेबल। तो अभी जो न्यू स्कॉर्पियो S11 आ रही है उसमें नेविगेशन नहीं आ रहा दोस्तों। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। इसी तरह से हर संडे को मैं Q&A लेके आता रहूँगा, जो प्रैक्टिकल आंसर मैं देता रहूँगा। अगली वीडियो में ब्लूसेंस ऐप को कनेक्ट करके और वीडियो हमेशा जो यहाँ पर है ये ऐप देख सकते हो आप, तो इसके बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए भी आप चैनल से जुड़े रहें। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।